बिलासपुर के कोठीपुरा में बनने जा रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्र यानी एम्स निर्माण का जायजा ले रहे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कोठीपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने एम्स संस्थान के अधिकारियों सहित एम्स निर्माण कर रही NBCC के अधिकारियों के साथ चर्चा की। बिलासपुर के कोठीपुरा में बनने जा रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्र यानी एम्स निर्माण का जायजा लेने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार कोठीपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने एम्स संस्थान के अधिकारियों सहित एम्स निर्माण कर रही NBCC के अधिकारियों के साथ चर्चा की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने एम्स निर्माण कार्य की सराहना करते हुए जून 2021 में एम्स का कार्य पूरा होने की बात कही, तो साथ ही मई जून 2020 में आयुष ब्लॉक में OPD सहित 50 छात्रों के बैच की क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 750 बेड की सुविधा वाले एम्स अस्पताल का निर्माण 250 एकड़ भूमि में किया जा रहा है, जिसकी लागत 1471 करोड़ है। वहीं एम्स अस्पताल के हर भवन की छत पर सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल कर बिजली तैयार की जाएगी, जबकि अस्पताल में वेस्ट होने वाले पानी को पुनः रिसाइकल कर पीने योग्य बनाने के लिए 4 लेक भी बनाए जाएंगे। ये बिलासपुर जो प्रकृति की गोद में ये अस्पताल होगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उनके मार्गदर्शन में, और हम ये कह सकते हैं कि जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनका ये विजन था कि बिलासपुर बड़ा ही इंटीरियर क्षेत्र है और हिमाचल का कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा जो लगभग सभी से सेंट्रल रूप से खबर होंगे, और उनके प्रयास से ये काम यहाँ एम्स का शुरुआत हो पाया है। और जब से प्रधानमंत्री जी ने इसका विधिवत शिलान्यास रखा है और काम का आवंटन जब हुआ है, तो कम समय में ये काम काफ़ी प्रगति पर हुआ है। और अभी मैं कह सकता हूँ कि हम बिफोर टाइम है जी सर, 3 महीने कई मामले में 3 महीने हम बिफोर है। हमें किसी भी हालत में ये 2021 तक पूरी जून 21 तक हम समाप्त करेंगे। और हमारा अभी 2020 के मई जून में हम इसी आयुष ब्लॉक में यहाँ हम OPD ये शुरू कर देंगे, और फिर जो हमारा नाइट सेंटर जो है वहाँ क्लासेस टेम्पररी मेडिकल फर्स्ट ईयर का 50 सीटें अभी जी हम लोग करने वाले हैं, तो उसमें करेंगे। हमारा कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं कि लगभग 26% हमारा प्रोग्रेस है अभी, 30% फिजिकल है, लेकिन हम इसको अब सारा चीज़ जो यहाँ हिली एरिया में थोड़ा पाइलिंग में समय लगता है, लेकिन हम लोग काफ़ी काम कर चुके हैं और इसको हमारे सभी जो NBCC के तत्वावधान में ये काम हो रहा है, हमारे नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन जो काम कर रहे हैं, तो चंडीगढ़ से हमारे कहेंगे डॉक्टर में इनकी देख रेख में, और ये बराबर इसका विजिट करते हैं हमारे NBCC के पदाधिकारी का हैं। मुझे लग रहा है कि हम ये काम जल्दी शुरू कर पाएंगे। हर प्रकार की अत्याधुनिक सुविधा से लैस ये हॉस्पिटल होगा, और आप देख रहे हैं ना, पर्यावरण भी उसको भी ख्याल रखा गया है। हमने 4 लेक भी दिया है इसमें, जहाँ पानी को जो वेस्ट पानी है उसका फिर वो उसी प्रकार से उसको रिसाइकलिंग होगा। और साथ साथ हर बिल्डिंग पर आपने दे वहाँ पर हमने रूप पर जो है वो हमने सोलर एनर्जी के लिए दिया है, लगभग उससे बहुत सारी बिजली हमारी बनेगी, और कई प्रकार का हम लोगों ने प्रावधान इसमें रखा है। मुझे लगता है कि ये देश का एम्स जब ये बन जाएगा तो सचमुच में जितना प्राकृतिक छवि इस हॉस्पिटल का है, एम्स का है, वो शायद ही देश में कहीं और दिखाई पड़ेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।